मेरा नाम इशिता है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं 15 साल की हूँ। जब मैं सुबह भी उठती थी तो मेरे को ना हल्का हल्का चक्कर भी आता था। मैं बहुत जंक फूड खाती थी, जैसे कि चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर। YHP से जब मैंने जुड़ा तो मेरा HP का जो टेस्ट हुआ, मेरी जो खून की मात्रा थी वो 7 थी, तो आम लड़कियों के जो होनी चाहिए वो 12 रहती है। Young Health Programme is a global initiative of AstraZeneca, which aim is to empower young people on limiting risk behaviors to make them informed choice so that they can live a healthy life. Non-communicable diseases are one of the biggest challenges as a country we are facing. The aim of this program is to really change the trajectory of non-communicable diseases by really impacting people in their adolescent age. मेरा नाम अफरोज है, मैं 17 साल का हूँ। जब मैं पहले YHP से नहीं जुड़ा था तो मैं मीठी सुपारी खाता था और खाली घूमता फिरता था और जल्दी उठता नहीं था। जब मैं मीठी सुपारी खाता था तो मेरे को भूख भी नहीं लगता था। स्कूल जो है वो भी लेट पहुँचता था। फेल भी हो गया था, मतलब पेपर पर देने नहीं गया था इसीलिए, क्योंकि बच्चे लोग के साथ था, मीठा सुपारी पारी खाने लगा था। Betel nuts is made of areca nut fruits, which is kind of a palm tree. Though it doesn't contain tobacco, but it also creates a dependence as well. There are many studies of the government of India has also said that it can develop the oral cancer as well in future. The Young Health Program in India has been one of our longest running programs. In its third phase now, it is touching lives of 130,000 adolescents. It has also developed ambassadors for Young Health Program in peer-to-peer एजुकेटर। मैं बच्चों को बताती हूँ शराब तंबाकू के बारे में। मैं कम्युनिटी में दीदी के साथ मीटिंग भी लेती हूँ और मैं यहाँ पे मंडे टू मंडे सेशन भी लेती हूँ। इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और मेरे को अच्छा भी लगता है कि मैं हाँ समझा रही हूँ। बच्चों को मैं ये सिखाता हूँ कि हमें शारीरिक निष्क्रियता करते रहना चाहिए, उससे हमारी जो बॉडी है वो फिट रहेगी और जो हमारा हड्डी है वो भी फिट रहेगा। और अगर हम शारीरिक निष्क्रियता नहीं करेंगे तो हम मोटापा आ जाएगा और उससे हमें शुगर हो सकता है। और अगर अगर हम करेंगे तो मोटापा भी नहीं होगा और शुगर भी नहीं होगा। जब मैंने YHP से जुड़ा तो दीदी ने बोला सुबह दूध और रोटी खा के जाया करो, तो रोज डेली ऐसी करने लगे। और मम्मी भी फल फ्रूट खरीद के और हरी सब्जियाँ खाने लगे। 6 बाद जब मेरा जो HP का टेस्ट हुआ तो मेरा 12 हो गया, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब बहुत हेल्दी फील करती हूँ और मेरे को चक्कर भी नहीं आता। The Young Health Program, in my personal experiences, has played a very, very significant impact in the lives of these people. You can clearly see them talking about their life before the Young Health Program interaction and their life now. How they've stayed away from things like fast food, and it's nice to see how street plays or physical exercises is now part of their lives than what it was previously. जो मैं सिखाता हूँ वो अगर गलते औरों को बताएं तो कम्युनिटी में बहुत फायदा होगा। तो मैं तो यही सोची थी कि कॉलोनी में रह के मेरा बच्चा कभी नहीं सुधरेगा, पर इसमें जुड़ने से मेरे बच्चे लोग सुधरेगा।